सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। ध्यायते सदगुरु श्वेत रूपमल श्वेतांबरे शोभितम कर्णकुंडल श्वेत सुब्रह्मणि हीरा मंडितम नाना माल मुक्तादित शोभे गले पद्मासन स्वस्तरम दयाविद धीर सुप्रसन्न वंदन सदगुरु नमामिनम द्रिपदम द्रिभुजम द्रिप्रसन्न वंदन नेत्र दयालनम शैलिकंठ माला उर्द तिलकम शोभा मेखला सुगा वंदे सदगुरु योगदंड सहित कबीर करुणामय वंदे सदगुरु योगदंड सहित कबीर वंदे सदगुरु योगदंड सहित कबीर करुणामय। सदगुरु कबीर साहेब के जीवन चरित्र पर हम कुछ अपने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सदगुरु कबीर साहेब 1456 के अंदर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी के अंदर प्रकट हुए हैं और उनका खास आना एक कारण था जिसके अंदर नीरू निमा रामानंद स्वामी धनी धर्मदास साहेब चुरामणि नाम साहेब और अनेक जीवों को उबारने के लिए उनको इस जगत के कलयुग में आना पड़ा था। सदगुरु कबीर साहेब ने कई जीवों को जो है उबारा है और 52 कसनी सदगुरु कबीर साहेब ने जो है सही है। उसके अलावा बादशाह थोए वीर सिंह वाघेल और बिजली खान पठान जब समय ऐसा हुआ कि सदगुरु कबीर साहेब काशी के अंदर प्रकट हुए काशी के अंदर सब कुछ हुआ तो मगर के अंदर के जो बादशाह थे उन्होंने ये कहा कि भाई मगर के अंदर जो भी मरेगा वो गधा हो जाएगा और काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहेब को ये शंका दूर करने के लिए मगर जाना पड़ा और जब मगर जाने के लिए उन्होंने तैयारी करी तो काशी वीर सिंह बाघेल जो वहाँ का महाराजा था उसने कहा साहब आप तो यहीं पर प्रकट हुए तो आप यहीं पर क्यों नहीं अंत। बोले नहीं मैं मगर जाऊँगा और मगर में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। फिर पूरे सत्संग के साथ जो है साहब चले गए मगर में गए और जब मगर गए तो बिजली खान पठान और वीर सिंह वाघेला दोनों आपस में ये वो बात कर रहे थे कि साहब का अंतर्ध्यान होगा तो मैं एक बोले मैं जलाऊँगा एक नका मैं समाज कबर बनाऊँगा। इसी जद्दोजहद के अंदर सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आप एक मुझे कोटली के अंदर जो है खोल दें मैं वहाँ पर बंद हो मुझे वहाँ पर बैठना है। और जब वहाँ से सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हुआ और आकाशवाणी हुई तो दोनों दिन के जो थे हिंदू और तुर्क के बादशाह थे उनको आकाशवाणी हुई कि अभी आप ये कमरा खोलें और देखें। जब कमरा खोला देखा तो सदगुरु कबीर साहब के वहाँ पर दो चादर और दो फूल रखे थे। इसी तरह बिजली खान पठान ने कबर बनाई और वीर सिंह बाघेला ने सदगुरु कबीर साहब की समाधि बनाई। आज भी प्रत्यक्ष जिनको भी देखना है तो मगर में जाएं और देखें आज भी एक तरफ कबर बनी हुई है और एक तरफ समाधि बनी है। इसी तरह सदगुरु कबीर साहब जो जिस तरह आए थे और इसी तरह वो गए। उनका आना ही एक मुख्य बात थी कि इनको जीवों को चेताना और रामानंद स्वामी धनी धर्मदास साहेब और चुरामणि नाम साहेब जो हमारे 42 वंश के गादीपति है उनको बांधोगढ़ के अंदर जाके सदगुरु कबीर साहब ने प्रत्यक्ष उनको गादी बिठा के भादवी शुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको गादी अर्पण करने में आई। सदगुरु कबीर साहब चार ही युग में आए हैं सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के अंदर। साहब का भजन है अभिगत से चले आयो मेरो भेद मरम नहीं पायो हते विदेही दे धरी आए काया कबीर कहाए जन्म जन्म के भूले हंसा रामानंद समझाए। रामानंद स्वामी को सदगुरु कबीर साहब ने जगत में इसीलिए भेजा था कि आप जाके प्रचार करें और जीवों को उबारें, लेकिन आके यहाँ पर अपने वो भूल गए और रामानंद स्वामी जो थे वो मूर्ति पूजक में लग गए। जब मूर्ति पूजक में लग गए तो राम सीता और लक्ष्मण की पूजा करते थे। इसी तरह साहब को दोबारा फिर आना पड़ा और सदगुरु कबीर साहब जो 5 वर्ष की उम्र के अंदर जब आत्मज्ञान करते थे तो वहाँ के उनके जो शिष्य लोग थे वो सुनते थे कि भाई आप जो ये इतने बड़े आत्मज्ञान कर रहे हैं तो आपने कभी गुरु किया है। तो सदगुरु कबीर साहब को इस बात का विचार आया कि ये तो बड़ी बहुत बढ़िया बात है गुरु होना। जब मैं गुरु का प्रचार करता हूँ जब मैंने गुरु नहीं किया है तो ज़रूर मुझे कोई पूछेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर महान गुरु कौन है। तो किसी ने बताया कि रामानंद स्वामी जो है आचार्य है और विश्व संप्रदाय से उनका वो संप्रदाय है उनकी। तो जब सदगुरु कबीर साहब को पता चला कि मुझे उनको शिष्य बनना है तो
तो रामानंद स्वामी जो है सवेरे सुबह में 4 बजे जो है स्नान करने जाया करते थे रामानंद घाट के ऊपर। सतगुरु कबीर साहब वहाँ पर गए और बाल स्वरूप धारण करके जब वो वहाँ पर रहे तो रामानंद स्वामी भजन कर कर जा रहे थे तो उनकी ठोकर लग गई उनको, तो रोने लगे। तो रोने लगे तो संत तो हमेशा दयालु होते हैं, जब उन्होंने देखा कि बच्चा पता नहीं कौन यहाँ छोड़ के चले गए हैं तो उठाया और बोले बेटा राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। इस तरह करके साहब फिर स्नान करके वो अपनी कुटिया में चले गए। जब देखा वापसी में देखा तो देखा साहब वहाँ पर थे ही नहीं, वो बालक तो वहाँ थे ही नहीं। तो मन में विचार किया पता नहीं किसी स्त्री ने आके यहाँ छोड़ दिया, वो चला गया होंगे। जब सतगुरु कबीर साहब तो वहाँ से आलोप हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और साहब जब पूजा के अंदर गए रामानंद स्वामी जब पूजा करने लगे, पूजा करते समय उन लोगों ने जब पूजा की पूरा जैसे मैं उनका प्रवास करते हैं राम सीता और लक्ष्मण का सब कुछ कर, लेकिन माला पहना साहब भूल गए उनको डाल में। अब धर्म संकट में पड़ गए कि अभी अगर ये पूरा ताज और ये सब उतारता हूँ मैं तो ये तो विखंडन हो जाएगी, इसीलिए मैं क्या करूँ। तो सतगुरु कबीर साहब बाहर से कहते हैं कि साहब पहले तोड़ो और फिर जोड़ो। तो साहब को विचार आया कि ये क्या बात है भाई, पहले तोड़ो और फिर जोड़ो, तो वही थी कि उसको धागे को तोड़ो और उनको फिर आप जोड़ दो। फिर साहब ने देखा तो जब सतगुरु कबीर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे तो उसने कहा कि भाई तुम कौन हो। तो लोगों उनके जो शिष्य थे उनसे कहा कि मैं तो रामानंद स्वामी का शिष्य हूँ। तो फिर बोले उसको जो है तुर्क तो साहब कभी देखते नहीं और मलेश का मुंह नहीं देखते, आपको किसका शिष्य बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहब जो है उनको बताते हैं कि साहब आप घाट पर सुबह जब स्नान कर रहे थे एक बाल स्वरूप में बन के आया था और आपने मुझे राम नाम का सुमरा दिया तो आप मेरे गुरु हो। जब से सतगुरु कबीर साहब को रामानंद स्वामी ने ये कहा कि आज से जो कबीर साहब होंगे वो सबसे बड़े हमारे वो उसमें मंडल के वो बड़े होंगे। इसी तरह जो है साहब को शिष्य करना पड़ा। सतगुरु कबीर साहब को शिष्य होना उनका मूल कारण था क्योंकि गुरु की मर्यादा रखनी थी। और उसके अलावा कि जब कारण हम गुरु किया रामानंद, जग मर्यादा कारण क्यों किया गुरु रामानंद, गुरु हमारा शब्द है हम गुरु के संत। इसी तरह सतगुरु कबीर साहब ने जब उनसे उनके दीक्षा ली सब कुछ ही और फिर उसके बाद अनेक रामानंद स्वामी और साहब जो है प्रचार करने हैं। और इसमें बहुत बड़ी बात है लेकिन टूक समय होने के कारण मैं आपको इसको टूक में समझ देता हूँ कि इसी तरह सतगुरु कबीर साहब को रामानंद स्वामी के को उनका शिष्य बनना पड़ा था। और शिष्य बनने के बाद फिर सतगुरु कबीर साहब जो अपना जो कार्य था वो करते रहे। इसी तरह ये एक सतगुरु कबीर साहब का टूक जीवन चरित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसमें अगर कोई ऐसी गलती हो तो क्षमा याचना।